Let's hear it up for Tammy Swinehead. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, फिर से मोटो व्लॉगिंग से। अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह थोड़ा काम से, और मैंने कहा थोड़ी मोटो व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों को सुबह सुबह के नज़ारे दिखा देते हैं। ठंडी बहुत है सुबह सुबह, बट हमने सारे गियर्स पहने हुए तो थोड़ी ठंड कम लग रही है, बट हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है और सूरज देवता भी आ गए हैं। सुबह सुबह भी रश बहुत है, बहुत सारी गाड़ियां निकली हुई हैं। टाइम अभी कुछ सुबह के 8 बजे हुए हैं और गाड़ियां तो मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब वीकेंड है ही नहीं आज। वैसे है सैटरडे, बट लग नहीं रहा कि आज सैटरडे है, क्योंकि यूजली इतना रश नहीं होता, इतना क्राउड नहीं होता। सभी लोग सुबह सुबह या तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे होंगे या कोई ना कोई काम पे जा रहे होंगे, जैसे कि हम काम पे जा रहे हैं। बट चलता ही रहता है, आज का मौसम बहुत बढ़िया। आज तो हर जगह आप जहाँ पे भी जाओगे, रिवर पे जाओगे, कहीं रेस्टोरेंट्स, कहीं फास्ट फूड पे जाओगे, पूरा का पूरा बिजी मिलेगा आपको, क्योंकि मौसम एक तो बहुत बढ़िया और एक है वीकेंड। यही लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ का, एक तो मौसम और एक यहाँ का वीकेंड। तो वीकेंड जब भी शुरू होता है लोगों में इतनी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है फ्राइडे से ही। और अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़िया हो, जैसे सनी वेदर हो, तो लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज तो वेदर बहुत बढ़िया है, तो आज फन करेंगे कहीं ना कहीं बाहर जाके। अब अभी थोड़ा सा चिली है, बट थोड़ी देर की बात है और ये टेम्परेचर फिर ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आज अबाउट 80-90 में रहने वाला है। सुबह सुबह तो आपको पता है जहाँ मर्जी चले जाओ, सुबह सुबह का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा ही रहता है। सामने का पहाड़ देखो, कितना बड़ा पहाड़ है, और कई लोग बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं सामने हमारे। बट मैंने कहा आप लोगों से वो सामने का पहाड़ दिखाता हूँ, कितना ही बड़ा पहाड़ है। इसके ऊपर आप ट्रैक भी कर सकते हो, हाइकिंग वगैरह होती है यहाँ पर, और इसके ट्रेल्स बने होते हैं, तो आप लोग जाके हाइकिंग वगैरह कर सकते हो। हम भी जाएंगे, बट अभी थोड़े दिनों तक। अभी हम आ गए हैं कुछ देर बाद और अपना काम ख़त्म हो गया है, और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। मन तो था थोड़ा बड़ा राउट लेके जाएं, बट भूख बहुत लगी हुई है, इसलिए अब हम सीधा घर को ही जाएंगे। घर जाके कुछ खाते पीते हैं। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, मौसम वैसे तो बहुत बढ़िया बट हवा बहुत है। ये नीचे आप देख सकते हो, ये हाईवे जाता है नीचे को, और हम ऊपर पुल के ऊपर से जा रहे हैं। हमें कोई कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन है, किसी का नंबर आ रहा है, बट कोई बात नहीं, करने दीजिए। और यहाँ से मेरी फेवरेट सड़क शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुली सड़क है, तो आप भगाते जाओ। यहाँ पे स्पीड लिमिट भी 40-45 की है, तो उड़ाते जाते हैं यहाँ से। तो स्पीड लिमिट आप देख सकते हो 40 की है। हेलो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल जी, एंड स्वागत है, वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाइए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेके प्रभु का नाम बोलो जय सियाराम। तो गाइज आज फिर हम जा रहे हैं सेलम फेयर पे, क्योंकि आज है आखिरी दिन
और आज ख़त्म हो जाएगा सेलम फेयर और मम्मी का बहुत ही मन था कि आज जाना ही जाना है, तो मैंने कहा लास्ट दिन ना चलो एक बार फिर से वो आते हैं। आज ज़्यादा क्लिप्स नहीं डालेंगे क्योंकि पिछले दो दिनों से फेयर ही हो रहा था, तो आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा, सब कुछ सेम ही होता है, बट हम तो वैसे ही घूमने चले जाते हैं और आज आखिरी दिन है तो सोचा कि आज फन करके आते हैं, थोड़ा जाके आते हैं। बाकी रश वगैरह पूरा है, फुल ऑन है और अभी बारिश होके हटी है, मौसम क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी बस में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे होपफुली जगह मिल जाएगी, गाड़ियाँ जा रही हैं तो हम भी गाड़ियों के पीछे लगा लेते हैं और चलिए चलते हैं सेलम फेयर में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया हुआ, बट आज भीड़ बहुत कम है, मतलब है बट इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी वही माहौल है, सारी राइड्स चल रही हैं, आप देख सकते हो सड़कें वगैरह गिली पड़ी हैं क्योंकि अभी बारिश होके हटी है, बट माहौल वैसा ही है, लोग राइड्स लेने और अपना फन करने से रुकते नहीं है, खाने पीने से भी नहीं रुकते। अब देखो टर्की के लिए कोई भी नहीं खड़ा, कितनी सारी टर्की लगी, सब जॉइंट खड़ी पड़ी है। ये अनियन देखो, अनियन की बोरियाँ देखो कितनी बड़ी पड़ी हैं, ये सारा ब्लूमिंग अनियन के लिए है जो कि यहाँ से मिलते हैं, ब्लूमिंग अनियन जो हमने भी खाए थे पिछली बार। बट मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, ठंड तो वैसे नहीं लगेगी क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, बट मैंने कहा आप लोगों को फिर से थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं कि हम आए हुए हैं लास्ट डे आज और सभी लोग फन कर रहे हैं। Wearing the white racing silk. Let's hear it up for Tammy Swinehead. Blue racing silk. You'll hear him squealing in the starting gate. He'll squeal all the way around the track. He lives up to his name in gate number three. Let's hear it up for Squealy Ray Cyrus. Everybody ought to get loud for this next one. Everybody likes bacon, right? In gate number four, wearing the green racing silk, let's hear it up for Kevin Bacon! I gotta say. Oh, look at him go! Tammy Swinehead! Kevin Bacon! And the old man Arnold Schwarzenegger. Kevin Red Racing Silk. Just like the Zero Turn Lawnmower, which is her namesake, she can cut the corners fast, she can cut them quick. In gate number one, let's hear it up for Lawnmower. In gate number two, wearing the white racing silk. This is the one you might have to help out if she loses control and starts over the track. Push her back in because she blends in with those turkey legs down there, as small as she is. In gate number two, let's hear it up for Fence Jumper. तो गुड इवनिंग गाइस, और फेयर से हम आ गए थे कल और आज कुछ भी नहीं किया, आज मतलब पूरा डे रेस्ट किया, कुछ मतलब करने को नहीं था और सोते रहे, गर्मी इतनी थी कि बाहर निकलने का कोई मन ही नहीं किया, और घास भी काटना था घास भी नहीं काटा, बट कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट डे सी अगले वीकेंड सी। तो गाइस बस आज की व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी, ज़्यादा था नहीं बट मैंने कहा आज लास्ट डे था फेयर का, आज निकल था तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, इसलिए मैंने कर दिया। और थोड़ा पिग रेस वगैरह थी और अपना गोट रेस थी जो कि मैं पिछली व्लॉग्स में नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा थोड़ा ये भी शेयर कर लूँ। ये फ्री रेस होती है, इनको स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ये बाहर से आते हैं अपने फार्म से, ये गोट्स पिग्स इनकी अपनी होती हैं तो इनकी रेस वगैरह कराते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तो ये हर साल ऐसे ही होता है, बट आप लोगों से भी शेयर कर लिया तो अच्छा लगा। तो गाइज अगर आज की व्लॉग अच्छी लगी तो मेरे लाइक अपने जरूर दबा देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो,
अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हैव अ गुड नाइट गाइस।